हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 16। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति ह इह अघायुर इंद्रिया राम मोघं पार्थ सजीवति। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चित ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। तो भगवान ने 14 और 15 नंबर श्लोक में बताया कि यज्ञ चक्र क्या है। अन्न चाहिए हमको, क्योंकि हम अन्न पे आश्रित हैं, है ना? अन्न पे आश्रित है। अन्न कहाँ से मिलेगा? बारिश होगी। परजन्यो अन्न संभवा। बारिश कैसे होगी? जब हम यज्ञ करेंगे। यज्ञ क्या है? हमारे कर्म हमारा यज्ञ है। कर्म के बारे में कहाँ से पता पड़ेगा? ब्रह्मोद्भवम, वेदों से। और वेद कहाँ से आते हैं? वेद स्वयं भगवान से प्रकट होते हैं। तो ये यज्ञ चक्र हो गया। यानी भगवान ने वेद दिए, अब वेद पढ़िए, यज्ञ कीजिए। यज्ञ करने से आपको बारिश मिलेगी, बारिश से अनाज मिलेगा, अनाज आप अच्छे से पकाइए और फिर भगवान को भोग लगाइए और पाइए। ये चक्र चलता रहेगा। भगवान कहते हैं कि जो नहीं करता है, जो ये यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता है, वह पाप में जीवन जी रहा है। देखिए, कर्मयोग की बात चल रही है, ये अध्याय कर्मयोग का है। तो लोग जो है थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है समाज में कर्मयोग को लेकर। कर्म योग, कर्म क्या है? जो भगवान ने हमारे लिए निर्धारित किया है उसको कर्म कहते हैं। योग क्या है? जो हमें भगवान से कनेक्ट करेगा। तो कर्म के द्वारा हम भगवान से कनेक्ट हो रहे हैं उसको कर्मयोग कहेंगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं हम अपना जॉब कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपनी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, वो कर्मयोग हो गया। आप भगवान से जुड़ रहे हैं क्या? तो भगवान कहते हैं जो यज्ञ चक्र नहीं पालन कर रहा है वह पापमय जीवन जी रहा है और व्यर्थ में जी रहा है। तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहले भगवान से कनेक्ट होना चाहिए, शास्त्रों से कनेक्ट। भगवान ने भगवद्गीता दिया, हम भगवद्गीता पढ़ें तो उसमें समझ में आएगा क्या कर्म है, क्या अकर्म है, क्या विकर्म है, हमारे लिए क्या कर्म करना है। नहीं तो हम गलत कर्म करेंगे। अगर आप कुछ बड़ा मशीन है आपके पास, मान लीजिए आप फैक्ट्री में काम करते हो, मशीन बिगड़ गया, वो इंजीनियर आके बनाएगा, या आपका मोबाइल खराब हो गया, टीवी खराब हो गया, मशीन कुछ भी मशीन खराब हो गया, कार खराब हो गई, बाइक खराब हो गई, वो मैकेनिक। तो ये सबके स्पेशल इंजीनियर्स होते हैं या ट्रेंड लोग होते हैं। जरूरी नहीं कि पढ़ा लिखा हो, और मैकेनिक नहीं भी पढ़ा लिखा है लेकिन वो इंजीनियर है, क्योंकि जानता है उस मशीन के बारे में, तो वो आके ठीक करेगा। अगर हम करने जाएंगे तो नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए वो कर्म उसके लिए निर्धारित है, हम सीखे नहीं, हमको सीखना पड़ेगा। तो हम भगवद्गीता में से समझें कि हमको करना क्या है और वो सही तरीके से करें। गलत तरीके से करने से नुकसान हो जाएगा, सही तरीके से करने से वो यज्ञ चक्र का जो पालन होगा। आज संसार में क्या नियम है? वर्क हार्ड पार्टी हार्डर, मतलब खूब काम करो, खूब मजदूरी करो, सवेरे 4 बजे से रात को 12 बजे तक बहुत मेहनत करो, पैसा कमाओ, और रात को 12 बजे से सवेरे 4 बजे तक पार्टी करो। यही चल रहा है, खूब पैसा कमाओ और फिर पैसा उड़ाओ। इसमें लाभ क्या है? अपना जीवन, हमारा जीवन जो है वो एक पशु जैसे, एक गधे जैसे मेहनत करने के लिए नहीं बना है। भगवान ने कुछ और हमारे लिए सोचा है। अच्छा, बहुत मेहनत करके वो पैसा कमाते हैं और फिर बहुत मेहनत करके पैसा उड़ा देते हैं, और उसमें नशा करते हैं, उसमें तामिश आहार करते हैं, अननेसेसरली खर्चा होता है जिसका कोई लाभ नहीं होता, उल्टा शरीर को वो हानिकारक है। तो अच्छा पार्टी करने के लिए, अच्छा नशा करने के लिए, अच्छा म्यूजिक सुनने के लिए, या फिर महंगी गाड़ी लेने के लिए, उसको तेज चलाने के लिए, इसके लिए क्या कर रहे हैं हम? बहुत मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं। क्यों बहुत मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं? क्योंकि हमारे खर्चे बढ़े हैं जिसकी जरूरत भी नहीं है। ये भी एक प्रकार का चक्र है जिसमें फंस गए हम, विशियस सर्कल। ऐसा चक्र है जीवन में जो फंस गए, बहुत काम कर रहा है, बहुत काम कर रहा है, उससे पैसा मिलता है, फिर उसको मेहनत करके खर्चा कर देता है, दोनों में मेहनत कर रहा है, लाभ कुछ मिल नहीं रहा है, भक्ति का तो कुछ पता नहीं है, भगवान से संपर्क नहीं हो रहा है, जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। आजकल यही चल रहा है। अब सबको समझाइए नहीं यज्ञ चक्र है,
उसके बिना नहीं चलेगा संसार। तो लोगों को लगता है नहीं नहीं ये सब नहीं। देखिए यूक्रेन में एक हिसाब से तो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये तो पूरे संसार की गति ऐसे हो सकती है। अभी कुछ लोग कह रहे हैं तीसरा विश्व युद्ध है। अब सोचिए तीसरा विश्व युद्ध हो गया तो क्या बचेगा? अभी तो न्यूक्लियर वेपन नहीं निकला है। वैज्ञानिक बताते हैं जब न्यूक्लियर वेपन अमेरिका ने गिराया था जापान पे, उस समय वहां का टेम्परेचर कुछ समय के लिए 10 लाख डिग्री था। 10 लाख डिग्री। अब तो विश्व युद्ध हुआ तो पूरे संसार में सिर्फ न्यूक्लियर बम ही छूटेंगे, तो क्या गति हो जाएगा? अभी आप देख रहे हैं यूक्रेन का, आपने टीवी में न्यूज में फोटोज में देखा होगा, पाउडर हो गया शहर, सब बिल्डिंग है। कितनी सुंदर, कितना मेहनत करके व्यक्ति ने पैसा कमाया, फिर कितना मेहनत करके बिल्डिंग बनाया और उसमें रह रहा है, और सब खत्म। ये भौतिक संसार ऐसे ही है, कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए भक्ति करना आवश्यक है। तो क्या होगा? कोई बोलेगा क्या भक्ति करने से ये सब नहीं होगा? नहीं, जब तक आसुरी शक्तियां हैं तो पहले भी हुआ, आज भी होगा, लेकिन आपकी रक्षा हो जाएगी अगर आप भक्ति करते हैं। अब सोचिए संसार में सब यज्ञ चक्र पालन करेंगे तो सतयुग बन जाएगा ये, लेकिन हर कोई नहीं करेगा। आसुरी प्रवृत्ति बहुत हैवी है, तो हम तो करें। अगर मृत्यु आ भी गई तो ऐसा नहीं कि भक्तों की मृत्यु नहीं होती। कुछ लोग बोलते हैं आप भक्ति करते हो तो क्या हुआ, आपकी मृत्यु नहीं हो गई, अमर हो गए। आत्मा तो ऐसे ही अमर है, लेकिन अगर इस शरीर को जो हमें टेम्पररी मिला है, जितने समय के लिए मिला है उतना समय रहेगा, फिर चाहे युद्ध में मृत्यु हो, एक्सीडेंट में मृत्यु हो, नेचुरल डेथ हो, किसी भी कारण से मृत्यु हो, तो ये जब मृत्यु होने से पहले हमने जो किया है उसका फल हमें अगले जन्म में मिलेगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन अगर ये मुझे फैसिलिटी मिलने के बाद, मनुष्य जीवन मिलने के बाद अगर मैं भक्ति नहीं करता हूँ, भगवान से नहीं जुड़ता हूँ, तो अगले जन्म में और दुख मिलेगा, क्योंकि फैसिलिटी दिया और आपने उसका मिसयूज किया। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कंपनी उसको लैपटॉप देती है कि ये तुम लैपटॉप पे कोडिंग करो, ऑफिस में भी करो, वर्क फ्रॉम होम भी चलता है कभी कभी, तो वहाँ पे भी करते रहो। अब कोरोना आ जाता है तो फिर वर्क फ्रॉम होम हो जाता है, और ये मान लीजिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर घर पे बैठ के वीडियो देख रहा है, चैटिंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, गलत चीज़ें डाउनलोड करता है, तो ये सब क्या होता है, ऑफिस में पटा पड़ जाता है, डिटेक्ट हो जाती है, वायरस भी आ जाता है लैपटॉप में, या फिर इसके लैपटॉप में जो डेटा है कंपनी का वो किसी और को दे देता है। तो दोनों ही केसेस में क्या होगा, कंपनी से इसको दंड मिलेगा कि नहीं? क्योंकि फैसिलिटी मिला और आपने उसको मिसयूज किया, दुरुपयोग किया। तो हमको ये मनुष्य जीवन मिला है, ये शरीर मिला है, इसका हम दुरुपयोग कर रहे हैं, मृत्यु होगा, ये तो मृत्यु लोक है, सबका मृत्यु होगा, चाहे भक्त हो चाहे ना भक्त हो, लेकिन भक्त का मृत्यु उसको आगे लेके जाता है, और जो भक्त नहीं होता उसका मृत्यु उसको पीछे लेके जाता है। भक्तों को नरक जाने की जरूरत नहीं, वो आगे बढ़ते हैं, वो पीछे नहीं जाते, ये फर्क है। तो कुछ लोग ऐसे तर्क वितर्क करते रहते हैं कि नहीं नहीं भक्ति करने के बाद भी तो मृत्यु हो रही है, तो क्या फर्क पड़ा? फर्क है। एक राजा का बेटा और एक गरीब व्यक्ति का बेटा, दोनों मान लीजिए दोनों ने क्राइम किया, जेल में आ गए, किसको दुख ज्यादा होगा? वो गरीब व्यक्ति का बेटा, उसको खाना खाने को नहीं मिलता था बाहर, लेकिन आज जेल में कम से कम 2 टाइम खाना मिला। राजा का बेटा जो है शाही तरीके से रहता था, उसको अभी दुख मिल रहा है, लेकिन जैसे ही दोनों बाहर छूटे, अभी कोई बोलेगा हाँ देखो राजा का बेटा तो ज्यादा दुखी है क्योंकि वो जेल में है। तो भौतिक संसार में भगवान राजा हैं, उनके जो भक्त हैं वो दुख होता है, लेकिन वो करते रहते हैं भक्ति, क्योंकि जिस दिन छूटेगा अब राजा के पास जाएगा राजा का बेटा, तो ये भगवत धाम निकल जाएगा, और जो दूसरा नहीं कर रहा है भक्ति वो पीछे चला जाएगा। तो अगर हम भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं तो फिर अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, यज्ञ चक्र अपने आप चलेगा। आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उसके कारण भगवान देवताओं को बोलेंगे फटाफट इनको फैसिलिटी, तो फैसिलिटी मिलेगी आपको, सब बारिश मिलेगी, अनाज मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, उससे आप भगवान को भोग लगाएंगे, भगवान प्रसन्न, फिर आप प्रसाद पाएंगे, उसमें आपका शरीर, आपका मन, आपका बुद्धि, आपका आत्मा, सबका पोषण होता रहेगा, अलग से करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यही यज्ञ चक्र है। हरे कृष्णा।